ठीक है, तो मेरी जो बुलेट थी अभी सर्विस सेंटर में, उधर से मेरे को फोन आया कि आपकी गाड़ी जो है ऐसा, इसके अंदर इश्यू आ रहा है, इसकी रिले में प्रॉब्लम है, ये रिले डायरेक्ट करते हैं तो फ्री में गाड़ी ठीक हो गई। बस इनको बताना है, क्यूबो वाले को अच्छी तरह बताना है। तो गाइस, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था यार, मेरी जो थी गाड़ी खराब हो चुकी थी और मैं सर्विस सेंटर छोड़ के आया था गाड़ी, और बहुत ज्यादा मतलब डर लग रहा था, इतना टाइम वेस्ट हुआ, इतना ज्यादा दिमाग खराब करा, सिर्फ और सिर्फ क्यूबो के जीपीएस ने। अब तक कोई रिजल्ट मिला नहीं है, मैंने उनसे चैट भी करी, कॉल पे बात भी करी, कुछ रिस्पॉन्स मिला नहीं है क्यूबो की तरफ से अच्छा, जिससे मेरे को दिल खुश हो सके। तो मेरे को तो डर लग रहा था, एक तो देखो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, आप लोग को पता है यार, ठीक है। तो मेरी जो बुलेट थी अभी सर्विस सेंटर में, उधर से मेरे को फोन आया कि आपकी गाड़ी जो है रिपेयर हो चुकी है, तो सबसे पहला डर इस बात का था कि यार बिल कितना आएगा। ठीक है, वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, जा रहे गाड़ी लेने, एक घंटे का रास्ता है, बता दूंगा बिल कितना आया है, ठीक है। डर लग रहा था बिल कितना ज्यादा आएगा, क्या आएगा, कहते कहते मैं इधर से पैसे का अरेंज कर रहा था कि अकाउंट में पैसा भेजा, गाड़ी मेरी सर्विस सेंटर पे खड़ी रात से, पता नहीं कितना बिल आएगा। सर्विस सेंटर पे चलता और बताऊंगा गाड़ी में क्या क्या दिक्कत थी, गाड़ी किस वजह से नहीं चल रही थी, क्यों वहां पे गाड़ी छोड़ के आना पड़ा, और आज कॉलेज भी नहीं जा पाया यार, कॉलेज की छुट्टी करनी पड़ी यार, बहुत बुरा लग रहा है। कोई नहीं, जाके गाड़ी लेकर आते, जीजा के साथ जा रहा हूँ गाड़ी लेकर आता। तो गाइस, ये खड़ी जीजा की बाइक पार्किंग में, लेकिन इस बाइक से नहीं, इस वाली बाइक से, ये भी जीजा की है, ठीक है, इस बाइक से जाएगी। और ये मेरा भांजा है, घर पे अकेला रहता है, तो उसको भी लेके जा रहा है साथ में। बोल बे, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो निकलते हैं, जीजा आ रहा है, फिर निकलते हैं फटाफट से। तो गाइस 3:30 हो रहा है और करीब करीब मतलब 1.5 घंटा लग गया पहुंचने में, और ये पीछे है, जहाँ अंदर वो बता दे कितना खर्चा है और गाड़ी में क्या क्या काम हुआ है, किस चीज़ की गाड़ी चलनी थी, अंदर चलते फटाफट पता करके आते हैं। तो अपनी गाड़ी है फाइनली ठीक हो चुकी है, अभी सर्विस सेंटर में है, और ये भैया बता देंगे क्या इशू आ रहा था गाड़ी में। भैया एक बार बता देना भाई साहब, इसके अंदर इशू आ रहा है, इसकी रिले में प्रॉब्लम है, ये रिले डायरेक्ट करते हैं तो GPRS काम करना शुरू कर देता है, ये रिले में प्रॉब्लम है, रिले चेंज होगी, इसलिए वायरिंग को भी जो प्रॉब्लम आ रही थी, वायरिंग वर्किंग नहीं कर रही है इसकी रिले की वजह से। और ये हटाने के बाद अपनी गाड़ी जो है चल गई है, स्टार्ट है, देखो देखो अब गाड़ी बिल्कुल चालू हो चुकी है, और आपका ये GPRS निकल गया, तो आपकी बाइक स्टार्ट हो चुकी है। थैंक यू भैया। तो गाइस फाइनली अपनी गाड़ी मिल चुकी है, और रीजन तो गाड़ी का बता दिया आपने, गाड़ी क्यों नहीं चालू होती, ठीक है ना, बता दिया ना गाड़ी में क्या दिक्कत आ रही थी, ठीक है, क्यूबो का जीपीएस था, इसमें फॉल्ट है, इस चक्कर में गाड़ी चल नहीं रही थी, ठीक है। और अब निकलते हैं फटाफट से, मार्केट जाते हैं, कोई कपड़े कुपड़े देखते हैं, घर जाएंगे, देखेंगे कहाँ जाना है। वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन ऑन करो। तो गाइस फाइनली जो है घर पहुंच चुके हैं, और कुछ कपड़े वपड़े लेने के रुक गए, तो गाड़ी में पेट्रोल वेट्रोल डलवाया, उसके बाद ये है GPS अपना, जो कि क्यूबो कंपनी वाले का इंस्टॉल करेंगे गाड़ी में, ठीक है, इसको रख देता साइड में, और गाड़ी मेरी चालू हो गई। बड़ा दिल खुश हुआ कि मतलब एक भी रुपया खर्चा नहीं आया, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी रुपया नहीं मांगा मेरे से, और फ्री में हो गई गाड़ी का, कोई बिल बिल नहीं बना, गेट पास बना और गाड़ी लेके जाने दिया, ठीक है। कह रहे ऐसे केस हमारे पास आते रहते हैं GPS खराब होने के, GPS की वजह से गाड़ी कई बार बंद हो जाती है, तो क्यूबो कंपनी का GPS तो भाई कभी बाय मत करना, ठीक है, बहुत ही बेकार GPS है। और बता दूं अभी भी आपको, मैं जो मतलब खर्चा मेरा जो हुआ सिर्फ पेट्रोल का, मतलब 400-500 रुपए आने जाने इधर उधर में लग गया, मतलब सोच रहो इतना पेट्रोल जल गया, मतलब आने जाने में इतनी दूर था सर्विस सेंटर। चलो कोई नहीं, कुछ अलग से खर्चा तो नहीं आया सर्विस सेंटर पहुंचने के बाद, और अब देखते हैं थोड़ी देर बाद आराम आराम करते हैं, फिर उठेंगे, फिर दिखाएंगे आगे का कुछ प्रोग्राम रात का। तो गाइस ये खड़ी अपनी बुलेट यार, कितनी प्यारी लग रही है, और अभी हमारा प्लान था छोले भटूरे खाने जाने का, अभी हम नीचे उतरे अपार्टमेंट से, और ये देखो नीचे उतरे, और बारिश हो रही है, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको भी हम उतरेगी छोले भटूरे खाने चलेंगे, और ये देखो यार। तो गाइस छोले भटूरे का प्लान जो है कैंसिल किया जा रहा है यार, बारिश देख रहे हो, बड़ी मेहनत से ऊपर से नीचे उतरे छोले भटूरे खाने के लिए, और बारिश हो रही थी, अब जा रहा है खिचड़ी बना के खाएंगे, खिचड़ी देखा हम चलाएंगे, दिन खराब है यार। तो गाइस बारिश जो है तेज होती जा रही है, होती जा रही है, अब देखो देख रहे हो, और वो मेरी वैन खड़ी दुकान पे कुछ सामान लेती हुई, चल रहा यार ऊपर ही चल रहा है, खिचड़ी खानी पड़ेगी यार। तो गाइस ये तो खिचड़ी उचड़ी बनने की तैयारी हो रही है यार, ये चावल है सोयाबीन, क्या करें यार, किसी काम जाना पड़ेगा। और कुछ इस टाइप का अपार्टमेंट है मेरी बहन का, देख लो, हमेशा गंदगी तो आपको हमेशा मिलेगी, अभी बारिश थोड़ी सी तो कपड़े अंदर रख लिया है, ठीक है, खुल जा भाई, ये देखो बारिश कितनी तेज हो रही है बाहर, ये कुछ बालकनी है इधर सामने अपार्टमेंट के, ये देखो भाई करंट की तार है भाई, अंदर चलो भाई अंदर चल बे, तू तो मेरा चल जल्दी अंदर घुस, पीछे पीछे आ जाएगा जल्दी। तो देख लिया गाइस कुछ इस टाइप का अपार्टमेंट है,
वैसे तो 1 BHK का है, पर ये देखो ये रूम हो गया, दिखा देते हो एक बारी। ये रूम कुछ इस टाइप का, इधर टॉयलेट है और ये देखो ये हॉल है। उधर मेरा कंप्यूटर सेटअप हो रखा है और उधर बन रही खिचड़ी, इधर किचन है, फ्रिज है, ठीक है। अब खिचड़ी बनेगी तब खिचड़ी विचड़ी खाएंगे यार, भूख लग रही बहुत ज्यादा, क्योंकि गाड़ी लेने गए थे, थक गए थे। और हालत भी यार एक तो दिल खुश हो गया कि फ्री में गाड़ी ठीक हो गई, बस इनको बताना है क्यूबो वाले को, अच्छी तरह बताना है, जीप का पैसा जो मेरा वेस्ट गया है ना, इसको बताना है क्यूबो वाले को। तो गाइस फाइनली खिचड़ी जो है तैयार हो चुकी है और खिचड़ी निकाल रहे हैं, इसमें घी भी डालेंगे बढ़िया से, और पाव भाजी वाला मसाला है हमारे पास। कहाँ गया भाई, अरे कॉफी क्यों आ रही, ये है बड़ा पाव भाजी वाला मसाला, को डालेंगे खिचड़ी में, कह रही है मेरी बहन बढ़िया लगता है, इसको डाल के खाएंगे, घी डालेंगे, हाथ वाथ धो लेते, हाथ धोने की जरूरत क्या है जब चम्मच से खाना है, नहीं हाथ धो लेते फिर भी यार। तो गाइस अपनी गर्मा गर्म खिचड़ी आ गई है, इसको डालते हैं भाई, कैसे डालना है, पाव भाजी का मसाला, ये अपना पाव भाजी का मसाला डल गया। ले प्लान तो है यार छोलेटर खाने का, पर काम चलाना पड़ रहा है यार खिचड़ी खा के, इट्स टू हॉट ब्रो, मतलब ब्रो नहीं यार मेरे गाइस, वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। खिचड़ी उचड़ी खाते हैं, थोड़ी देर के बाद चलेंगे सोने के लिए, क्योंकि कल जो एक्चुअली कॉलेज भी है मेरा, कल लास्ट डे कॉलेज का, फ्राइडे है, सैटरडे संडे हमारा ऑफ रहता है कॉलेज का। जिनको नहीं पता बता दूं, ALT एशियन लॉ कॉलेज में पढ़ रहा हूं, ठीक है। और कॉलेज के ऊपर और भी वीडियो बनाई थी मैंने, उसको जाके जरूर देखना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।